ये जो आपको फोन दिख रहा है ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा फोन था जिसमें गेम्स आए थे। और क्या कभी आपने सोचा है कि ट्रेन के डिब्बों पर ये नंबर क्यों लिखा होता है? और आप जो फेसबुक यूज करते हो उसका कलर ब्लू ही क्यों है? ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 30, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला फीवर किसको आया था और कितने डिग्री का था? तो ये था 115 डिग्री सेल्सियस का। और अगर आपको ये नंबर ज्यादा नहीं लग रहा है तो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 35 तो 37 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 115 डिग्री सेल्सियस कितना ज्यादा है। और ये बस एक ही व्यक्ति को हुआ जो अटलांटा के थे और उनका नाम था विली जोन्स। और ये बात जुलाई 10, 1980 की है। नंबर 29, 1991 ये पहला साल था जब स्मार्टफोन का इन्वेंशन हुआ था और उससे पहले सब टेलीफोन का इस्तेमाल करते थे। आज भी कई जगह पे टेलीफोन का यूज होता है, पर आज 2021 में 60% से भी ज्यादा लोगों ने टेलीफोन से फोन रिसीव नहीं किया है और ना ही किसी को कॉल किया है। और जो 40% लोग हैं उन्होंने भी टेलीफोन का यूज बहुत कम किया है, बस एक या दो बार। नंबर 28, अगर आपको पिज्जा खाना हो तो आप डोमिनोज या पिज्जा हट से मंगाओगे, पर ये फॉरेन में नहीं होता। वहाँ सबसे फेमस पिज्जा पार्लर है पापा जोन्स और मैक्सिमम लोग वहाँ से ही लेते हैं। पर पापा जोन्स इतना स्पेशल क्यों है? ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये पिज्जा के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और ये पिज्जा कैसे बनाते हैं वो किसी को नहीं पता। और यहाँ तक कि वहाँ के मेन शेफ को छोड़ के और कोई ये रेसिपी नहीं जानता। नंबर 27, आपको पता है बेल्जियम के एक क्लब ने एक 20 महीने के बच्चे को साइन कर दिया उनकी टीम के लिए और ब्रूस ब्राइट्स को सबसे यंगेस्ट फुटबॉल प्लेयर बना दिया। और ये अक्टूबर 2020 में हुआ था। तो अब ये देखना है कि ये अच्छे खिलाड़ी बनेंगे या नहीं। नंबर 26, अलास्का जिसे वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस माना जाता है ये अभी यूएस में है, पर पहले से ये यूएस में नहीं था। ये बिलोंग करता था रशियन एम्पायर को, पर अलास्का में इकोनॉमिकली हालात सही नहीं थे तो इसीलिए रशिया ने अलास्का यूएस को $7.8 मिलियन में बेच दिया। पर आज अलास्का की कीमत है $133 मिलियन और यहाँ की प्राइस बढ़ती रहती है क्योंकि यहाँ टूरिज्म काफी ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि रशिया को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। नंबर 25, क्या कभी आपने सोचा है कि आप एक सेकंड में कितनी बार कीबोर्ड का बटन दबा सकते हो? शायद 4 या 5 बार। पर क्या आपको पता है कि आप एक सेकंड में 16 बार कीबोर्ड के बटन को दबा सकते हो? और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है तोशियुकी ताकाहाशी के पास और इसको तोड़ना लगभग नामुमकिन है क्योंकि ये एक ह्यूमन रीच है। इससे ज्यादा बार प्रेस करने के लिए आपको कोई मशीन का यूज करना पड़ेगा। नंबर 24, चॉकलेट आपको बहुत ज्यादा पसंद होगी, क्यों? मैंने सही कहा, पर हर चीज की एक लिमिट होती है। वैसे ही अगर आप 9 किलोग्राम जितनी चॉकलेट खाओ यानी 9000 ग्राम तो आपकी तुरंत मौत हो जाएगी। और क्या आपको पता है कि अगर आप बस 30 से 90 ग्राम जितना बियर का लीवर खाओ तो वो काफी है एक तंदुरुस्त इंसान को तुरंत मारने के लिए, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मात्रा में विटामिन ए होता है जो 52 लोगों के लिए काफी है। और इतना अगर एक आदमी को खाने को मिले तो उसका काम खत्म हो जाएगा। नंबर 23, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो काफी छोटे होते हैं और पूरी दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। और क्या आपको पता है कि जितने अभी आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उतने पूरे वर्ल्ड में ह्यूमंस भी नहीं है? हाँ, आपने सही सुना, एक आदमी के बॉडी पे कम से कम 10 to 11 billion माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नंबर 22, पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज मौजूद हैं और सारे कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं, कुछ काफी यूजफुल तो कुछ बेवकूफी से भरे। जैसे कि टोगो नाम की एक जगह है और वहाँ अगर आप किसी भी लड़की को कॉम्प्लीमेंट देते हो कि जैसे अरे वाह आज तुम कितने सुंदर लग रहे हो, तो आपको उस औरत से शादी करनी पड़ेगी वरना आपको बड़ी सजा मिल सकती है, क्योंकि उनको लगता है कि आप झूठी तारीफ कर रहे हो और अगर ये सच्ची तारीफ है तो शादी करके साबित कर दो। नंबर 21, अगर रूल्स की बात हो ही रही है तो एक ऐसा देश है जिसके रूल्स खाना पीना सब अजीब है, उसकी बात क्यों ना करें? नहीं दोस्तों, मैं नॉर्थ कोरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ चाइना के। इस देश में काफी अजीब रूल्स हैं, खासकर अमेरिका की चीजों को लेके, और इसी वजह से चाइना में प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स कंसोल्स बैन है। आप कुछ भी कर लो, आप चाइना में प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स ऑर्डर नहीं कर सकते और ना ही ले जा सकते हो, क्योंकि उनका कहना है कि गेम्स बच्चों को खराब करते हैं। नंबर 20, आपको ये पता ही होगा कि म्यूजिक का हमारे लाइफ में काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है, और अगर आपको कोई म्यूजिक बहुत पसंद आता है और आप उसे बार बार सुनते हो और उसे मिमिक करते हो तो आपका जो हार्ट बीट है वो भी उस सॉन्ग के ट्यून में बीट करने लगेगा। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना जब भी आप आपका फेवरेट म्यूजिक सुन रहे हो। नंबर 19, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा भी जॉब है जिसमें आपकी फिंगर्स एवरेज दिन में 20 किलोमीटर चलते हैं तो क्या आप बिलीव करोगे? शायद नहीं, पर
ये सच है। अगर आप एक टाइपिस्ट हो जो कोर्ट में या फिर कहीं भी टाइप करता है, तो एवरेज वो आदमी की फिंगर दिन में 12.6 माइल्स यानी 20 किलोमीटर जितना ट्रैवल करती है। कमाल है। नंबर 18, रात में आपके साथ क्या हो रहा है या फिर आप कुछ खा रहे हो तो आपको पता नहीं चलता। और ऐसे ही पता चला है कि एक इंसान अपने 60-70 ईयर्स की लाइफ में कम से कम 8 स्पाइडर्स खा जाता है रात में सोते समय। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक स्पाइडर को और कोई जगह नहीं मिली थी सुसाइड करने के लिए। ओके, जोक सपाट, पर क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 17, वर्ल्ड वॉर 2 अब तक की सबसे डेंजरस वॉर्स में से एक है। इससे ज्यादा डिस्ट्रक्शन आज तक नहीं हुआ है और इसके कई साल तक पूरी दुनिया में मेटल की कमी थी और इसी वजह से ऑस्कर के जो अवार्ड थे उसे भी मेटल की जगह वुड का बनाया गया था और उनपे मेटालिक कलर किया गया था। और तो और ये बात किसी भी स्टार को नहीं बताई गई थी जिसे वो अवार्ड्स मिले थे। नंबर 16, क्या आपको पता है कि ओशन और समुद्र के 800 मीटर गहराई में जो भी मछलियाँ रहते हैं उनकी आंखें नहीं होती, और होती है तो उससे वो खास देख नहीं पाती। ये पानी की इतनी गहराई में लाइट ना पहुंचने की वजह से होता है। नंबर 15, पूरी दुनिया में अब तक जितनी भी बोट्स मौजूद हैं उसमें से 70% जो बोट हैं वो सब फिशिंग के लिए ही इस्तेमाल होती है। अब आप सोचिए कि इंसान कितने फिशेस को खा जाते हैं। नंबर 14, यह आपके साथ जरूर हुआ होगा, जब भी आप ब्लू कलर देखते हो तो आपकी आंखों को आराम मिलता है, ठंडा लगता है। पर ऐसा होता क्यों है एग्जैक्टली? इसका रीजन ये है, जब भी आप ब्लू कलर देखते हो तो आपका माइंड कामिंग हार्मोन रिलीज करता है और आपको ठंडा महसूस होता है, और इसीलिए कुछ बड़े कंपनीज जैसे सैमसंग एंड फेसबुक इस कलर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 13, जैकी बीबी नाम के एक शख्स ने ये क्लेम किया कि वो दुनिया के किसी भी सांप से नहीं डरता, और इसे साबित करने के लिए वो एक टाइम पे 35 रैटल स्नेक के साथ एक ही बाथटब में बैठा। वो भी रैटल स्नेक जो थे वो अनट्रेंड थे, और उसमें से एक ने भी इन्हें काट लिया होता तो इनका काम खत्म हो जाता। नंबर 12, आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसकी हुई हर एक चीज बेबी पे इफेक्ट करती है, और यहाँ तक कि डेंटल हेल्थ भी। और किसी लेडी को डेंटल प्रॉब्लम्स हैं गम्स में या टीथ में तो अनबॉर्न चाइल्ड के वेट के साथ उसके ब्रेन पे भी इफेक्ट करता है और वो अबनॉर्मल भी हो सकता है। नंबर 11, अगर आप अभी टीनेजर हो यानी 13 से 19 साल के बीच में, तो इस साल बस आपका फेवरेट फूड ही नहीं चेंज होता बल्कि यही टाइम है जब आप अपना कैरेक्टर डेवलप कर सकते हो। आप रोज कुछ भी करते हो अच्छा या बुरा वो बड़े हो के आपकी आदत रहेगी, तो अगर आपको अपना कैरेक्टर और हैबिट अच्छी करनी है तो ये सही टाइम है। नंबर 10, क्या आपने भी बचपन में बॉल पेन के टॉप को चबाया है और मुंह में डाला है? तो ये फैक्ट आपके लिए है। हर साल 100 से भी ज्यादा लोग बॉल पेन का टैप गले में फंसने की वजह से मर जाते हैं, और आज भी अगर आप ऐसा करते हो तो आपको नहीं करना चाहिए। नंबर 9, जरा इस फोटो को देखिए, ये फोटो है लायंस का जो बारिश में गीले हो चुके हैं। क्यों है ना ये कमाल का फोटो? ये फोटो खींचा था अली अल शामी ने, और आपने कभी ऐसा देखा होगा कि लायन बारिश में भीग रहा हो। नंबर 8, क्या आपको आपके शरीर की सबसे मजबूत हड्डी के बारे में पता है? शायद नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। वो बोन है आपकी जॉ बोन, ये शरीर की सबसे मजबूत बोन है और आपके फेस की सबसे बड़ी और स्ट्रांग बोन है। और अगर ये स्ट्रांग ना होती तो आप सख्त फूड को जैसे कॉर्न ऐसे फूड्स को आप खा नहीं पाते। नंबर 7, नासा आज बहुत आगे पहुंच गया है अपनी रिसर्च की वजह से, और उन्हीं रिसर्च के लिए इन्होंने 27 मंकीज पाले थे जिसपे ये एक्सपेरिमेंट करते थे। पर एक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि नासा ने एक दिन में अपने 26 मंकीज को मार दिया और बस एक ही बचा था, वो भी अब तक जिंदा नहीं बचा है। नंबर 6, क्या आपको पता है कि अगर कंपैरिजन किया जाए कि औरत और मर्द में कौन ज्यादा गुस्सा होता है, तो इसका आंसर आएगा मर्द, क्योंकि एक औरत हफ्ते में 5 बार अपना टेम्पर लूज करती है और एक आदमी हफ्ते में 9 बार अपना टेम्पर लूज करता है। नंबर 5, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है, तो आपका जवाब देना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कई एक्ट्रेस और लड़की जो है वो काफी खूबसूरत है, पर ये जो आपको लेडी दिख रही है ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। आप कहोगे इससे ज्यादा खूबसूरत तो कई लड़की होंगी, पर ये आपकी चॉइस है। साइंटिफिकली इनका फेस 94% परफेक्ट है, जैसे कि इनका नोज का साइज, लिप्स और आईज की पोजीशन, और इनका नाम बेल्ला हदीद है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि एक ऐसा बग है जो कि एक पॉपकॉर्न जैसा लगता है, मतलब लिटरली एक पॉपकॉर्न जैसा लगता है। आप इस बग की वीडियोस देखिए और ऐसा लगता है कि एक पॉपकॉर्न के पांव आ गए हो, और दिखने में ये काफी अजीब लगता है। नंबर 3, आपको ऐसे कई लोग पता होंगे जो अपने काम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने काम में अपना अटेंशन लगाने के लिए वो अपना डेली रूटीन भी बदल लेते हैं, पर आपने
ने अपने लाइफ में कभी भी ऐसे आदमी के बारे में नहीं सुना होगा। ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है। ये अपना ध्यान प्रोग्रामिंग में रखने के लिए उन्होंने एक लड़की को हायर किया जो इन्हें चाटा मारेगी जब भी इनका ध्यान कहीं और जाए या फिर जब भी ये फेसबुक ओपन करे। और ये उस लड़की को एक घंटे के $8 देते हैं, यानी करीब 600 रुपए। नंबर 2, फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और ये 2007 से लेके आज तक काफी बदल गया है, पर इसका लोगो नहीं बदला। और इतने सालों से इसका लोगो ब्लू क्यों है नहीं पता, तो जानिए इसका रीजन। दरअसल मार्क ज़करबर्ग कलर ब्लाइंड है और उन्हें रेड और ग्रीन कलर सही से नहीं दिखते। उन्हें ये कलर फीके दिखते हैं और ब्लू कलर एकदम सही दिखता है। ये चीज उन्हें फेसबुक बनाने के 3 साल बाद पता चली और इसीलिए उनको पता चला कि इन्होंने ब्लू कलर क्यों रखा, क्योंकि वो उनके लिए सबसे रिच कलर है। और तो और मार्क ज़करबर्ग ने अपना घर और ऑफिस की दीवारों को भी ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है। नंबर 1, आपने अपनी लाइफ में ट्रेन में सफर तो किया ही होगा और आपने ये ट्रेन पे लिखे नंबर तो जरूर नोटिस किए होंगे। तो ये नंबर होते किस लिए हैं? तो सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 नंबर से शुरुआत करते हैं। जो स्टार्टिंग के नंबर हैं, ये बताते हैं कि ट्रेन या डिब्बा कौन से साल में बना है। जैसे कि इस पे लिखा है 87, तो ये साल 1987 में बनी है। और लास्ट के 3 नंबर ये बताते हैं कि ये ट्रेन का डिब्बा कौन से क्लास का है, जैसे फुल AC, हाफ AC, सिंगल AC, नो AC, लोकल एक्सेट्रा।